आज हम आपको अफगानिस्तान ले चलते हैं, जहां के लोग भारत जैसी आजादी के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, कई सालों से अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी सेना डेरा डाले हुए थी, और ये कहा जा रहा था कि तालिबान के खिलाफ अमेरिकी सेना अफगानिस्तान के लोगों को बचाने की मुहिम में जुटी। लेकिन अचानक ही बाइडेन सरकार ने जिस तरह का रुख अपनाया है, और ये कहा जा रहा है कि सितंबर तक अमेरिकी सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर चली जाएगी। ऐसे में भारत के सामने क्या चुनौतियां होंगी? क्या 20 सालों के अंदर अफगानिस्तान के लिए कोई रोड मैप अमेरिका तैयार कर पाए? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद। जी, थैंक यू सर, आपने समय दिया हमको। सर, कभी व्हाइट हाउस में इनकी खातिरदारी होती थी तालिबानियों की, और जिस तरह से सोवियत संघ को कमजोर करने में कहा था कि अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा, और कभी सोचा भी नहीं था कि तालिबान के यही लड़ाके, यही लोग कभी अमेरिका के खिलाफ भी खड़े होंगे। हालांकि 20 साल तक अमेरिकी सेना रही है अफगानिस्तान के अंदर, आपको लगता है कि कुछ हासिल हुआ, या फिर जहां से शुरू हुए थे वहीं खड़े हैं भी अफगानिस्तान के लोग? देखिए, अफगानिस्तान में 20 साल में अमेरिका के रहने पे किन पक्षों को क्या हासिल हुआ, ये एनालाइज हम कर सकते हैं। सबसे जी पहले जी तो अमेरिका की बात, अमेरिका में हालांकि 2014 में ये कहा ओबामा ने कि यूएस हैज लॉन्ग अगो अचीव्ड इट्स रैशनल ऑफ इन्वेडिंग अफगानिस्तान इन 2001। और रैशनल क्या था कि रूट आउट अलकायदा एंड अदर अटैक्स, प्रिवेंट अदर अटैक्स ऑन यूएस। कि मतलब जी उनका ये कहने का मतलब था कि अमेरिका 2014 में ही अपने ऑब्जेक्टिव से अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है, जो ये था कि अलकायदा को खत्म करना और अमेरिका के ऊपर होने वाली किसी भी संभावित हमले की संभावना को खत्म करना। जी लेकिन अगर आप देखें कि अमेरिका ने वैसे कितना अमेरिका को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है और दूसरे पक्षों को, तो ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हर पक्ष को। यहाँ 20 साल में अमेरिका में 20 साल में जो अफगानिस्तान में बेरोजगारी थी 25%, वो अभी भी 25% है, और गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले 47% हैं। मतलब कि जो पहले 20% थे वो 47% हो गए, और बेरोजगारी जो 11% थी वो 25% हो गई। एक चीज तो ये अफगानिस्तान का नुकसान हुआ। दूसरे, 66,000 से ज्यादा अफगान सैनिक मारे गए, 40,000, 48,000 से ज्यादा नागरिक मारे गए, और 60,000 से ज्यादा तालिबान लड़ाके मारे गए, और 27 लाख अफगानी देश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। ये कीमत अफगानिस्तान को चुकानी पड़ती है, क्योंकि अफगानिस्तान में सभी देशों का एक वो है कि अफगानिस्तान के पास $1.5 खरब से भी ज्यादा की खनिज संपदा है। तो एक ये भी एंगल है, ये कीमतें चुकानी पड़ रही। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में कुछ फायदा भी हुआ है। फायदा जी अफगानिस्तान में यह हुआ है कि शिक्षा बढ़ी है। जहां पहले 9 लाख बच्चे स्कूल जाते थे, अब 80 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं। जहां पहले 360 किलोमीटर की रोड थी, वहां अब 10,000 किलोमीटर की रोड है। जहां साक्षरता पहले पहले 23% थी, अब वो 45% हो गई है। तो ये सब हुआ है, लेकिन अभी भी 2014 के बाद से अभी भी ऑन एन एवरेज औसतन 130 तालिबानी आक्रमण रोज हो रहे हैं, हिंसा की घटनाएं अफगानिस्तान। तो ये तो अफगानिस्तान को कीमत चुकानी पड़ रही है, जहां अभी दवाइयां नहीं है, अभी डॉक्टर नहीं मौजूद हैं, अभी लोग परेशान हैं। 20 साल के बाद कोई भी फायदा इस तरह का नहीं हुआ, बड़ा फायदा नहीं हुआ। जी दूसरी बात रही अमेरिका को कि कितनी कॉस्ट चुकानी पड़ी है, तो अमेरिका के और मित्र देशों के करीब 4,000 के करीब सैनिक मारे गए हैं। और अमेरिका को इन दिनों में, इस 20 साल में, 1,24,000, 1,25,000 करोड़ का नुकसान हुआ, खर्चा हुआ है, जिससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ खास। अगर यही करना था तो अमेरिका पहले भी कर सकता था। अब अफगानिस्तान को मझधार में छोड़ के जा रहा है, जहां की और कोई जी देश अमेरिका के अड्डे नहीं कर रहे, तो वो उसका नुकसान है। भारत, क्योंकि अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क भी है हिंदुस्तान का, पाकिस्तान, और
भारत के बीच में एक अफगानिस्तान भी देश है, ऐसे में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि आपने कहा अमेरिका ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो भारत ने भी एक बड़ा निवेश अफगानिस्तान में कर रखा है। ये कहा जा रहा है कि $3 बिलियन यानी कि लगभग 2200 करोड़ रुपए का निवेश भारत कर चुका है अमेरिका में। 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स भारत सरकार ने पिछले साल भी अनाउंस किए थे। एक तो सर ये बड़ी चुनौती है भारत के सामने, जो अपना निवेश है उसको बचाए रखना, और क्या कंधार जिस तरह से हुआ था, भविष्य में तालिबान दोबारा उस तरह की हिमाकत ना कर पाए, पाकिस्तान मजबूत ना हो पाए, ऐसे में क्या भारत के लिए भी कुछ टेंशन है अगर अमेरिकी सैनिक बाहर निकलते हैं अफगानिस्तान से? देखिए, भारत के लिए बिल्कुल टेंशन है। जैसा कि आपने कहा, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत वहाँ पर, जो कि बहुत ही मायने रखता है, और भारत की 39 परियोजनाएं चल रही हैं। और आपको याद होगा कि तालिबान के एक आक्रमण में हमारे एक कंसुल की हत्या हो गई थी, उनका शरीर बम से उड़ उड़ गया था। तो ये सब भारत के निवेश की, भारत की परियोजनाओं की, जो भारतीय वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सबकी सुरक्षा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस सबसे ऊपर ये भी कि भारत के लिए अफगानिस्तान का साथ रहना इस एरिया में शक्ति संतुलन के लिए बड़ा बहुत ही मुफीद होता है। आपको याद दिला दें कि बहुत पहले, 2000 साल पहले, एक मंडल ऋषि हुए थे, उन्होंने राजनीति का एक मंडल सिद्धांत स्थापित किया था, जो आज भी माना जाता है, कि अपने दुश्मन को चारों ओर से घेर लो। मतलब अगर आपका पड़ोसी दुश्मन है, तो उसका उस साइड का पड़ोसी आपका दोस्त होना चाहिए, उसके और दोनों तीनों पड़ोसी आपके दोस्त होने चाहिए। यही चीज आज कमोबेश हर राष्ट्र कर रहा है। अब पाकिस्तान अगर हमसे दुश्मनी करता है, हालांकि हमारी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिसकी जनता की भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ये सोचते हैं कि भारत उनका एनिमी नंबर वन है। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान के पार अफगानिस्तान का साथ हमारे पास है, अगर ईरान का साथ हमारे पास है, अगर तजाकिस्तान का साथ हमारे पास और रूस का साथ हमारे पास है, तो हमारे लिए काफी कंफर्टेबल स्थिति हो जाती है। तो ये चीज है। चौथी चीज ये है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आज के नहीं है। पाकिस्तान तो 70 साल पहले बना है, लेकिन जब भारत अखंड भारत था, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने थे। आपको याद होगा महाभारत काल में गांधारी कंधार से आती थी। हाँ हाँ, जी लव का साम्राज्य कुशनगर था, या वहां पे जो एक कोश की क्या सिटी है वो था। तो ये जी बहुत पुराने रिश्ते हैं हमारे अफगानिस्तान के, और हमारे अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बने रहे, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी निवेश की और अपने लोगों की सुरक्षा प्रदान करें। और इसीलिए भारत को भले ही पाकिस्तान ये कहता है कि भारत जो है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है, तो उसको क्या परेशानी, लेकिन हमें परेशानी यह है कि हम इस क्षेत्र में हम हैं, और हमारे अफगानिस्तान से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इसीलिए एकाध बार की परेशानियों के, एकाध बार थोड़ा सा सेटबैक होने के बावजूद, रूस में रू देखिए जयशंकर ने जाकर के ईरान में जाकर के वहां पर बातचीत की ईरानी विदेश मंत्री से। उस वक्त तालिबानी डेलीगेशन वहां पर आया हुआ था, इंट्रा अफगान वार्तालाप चल रहा था। उसके बाद मॉस्को में गए, जहाँ तालिबानी डेलीगेशन मौजूद था। उसके सबसे पहले कतर में गए जयशंकर, वहां भी बताया जाता, हालांकि पुष्ट नहीं हुई है खबरें, कि तालिबान से बातचीत हुई। वो इसीलिए हुई कि ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारे निवेश, हमारे लोग और हमारे संबंध पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, माफ कीजिएगा, अच्छे बने रहे। जी सर, क्या सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समीकरणों की वजह से ही हम तालिबान या अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, या फिर ये भी एक बड़ी वजह है कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से शांति है, केंद्र सरकार ने जिस तरह से अच्छे कदम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उठाए हैं, उस पर कहीं ना कहीं तालिबान कुछ आपत्ति उठा सकता है, आतंक भड़काने की कोशिश कर सकता है? क्योंकि अजहर मसूद के मामले में जिस तरह से देखा गया, प्लेन हाईजैक हुआ, कंधार गया, वहां तालिबानियों ने समर्थन किया उस पूरे हाईजैक प्रणाली को, तो ऐसे में क्या भारत के इंटरनल जो राज्य हैं, यहाँ पर तालिबान को समस्या पैदा कर सकता है?
देखिए तालिबान बिल्कुल समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि तालिबान का जैसे मैंने कहा कि प्योर इस्लामाइजेशन एक मोटिव है, और उसमें वो कहेगा कि कश्मीर में भारत ने नरसंहार किया है या कश्मीर में भारत ने अत्याचार किया है, तो इस सिलसिले में वो ये कह सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या तालिबान सचमुच आ जाएगा, क्योंकि तालिबान अगर आता है, अभी तालिबान में भी गुट हैं, अभी जो क्वेटा शूरा है, क्वेटा में जो मजलिस है तालिबान की, उसमें और तालिबानी लड़ाकों में, तालिबानी लड़ाकों, और अभी आपने देखा है हेरात में जो अभी हेरात में जो शियाओं के सरदार हैं मोहम्मद इस्माइल खान, मोहम्मद इस्माइल खान, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने लोगों को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं ताकि तालिबान से लड़ाई करें। हक्कानी ग्रुप जो है वो खुद तालिबान के खिलाफ है। तो अभी अगर अफगानिस्तानी सैनिक जिस तरह से देश छोड़ के भाग रहे हैं, कह रहे पड़ोसी मुल्कों में जा रहे हैं, जो अमेरिका ने जो एक एयरपोर्ट बनाया था इसका नाम बरगम एयरफील्ड है, उसे खाली करा दिया गया, हालांकि वो अफगानिस्तान को सौंपा गया है, लेकिन खबर ये आ रही है कि तालिबान कुछ दिनों में काबुल के नजदीक पहुंच जाएगा और कहीं ना कहीं इस पर भी कब्जा कर लेगा। तो ऐसे में लगता नहीं कि तालिबान के कदम बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और तालिबान रूस के पक्ष में भी कहीं ना कहीं बयान दे रहा है, लग रहा है कि वहां भी कुछ पॉजिटिव बातें सामने आने वाली है। देखिए तालिबान के कदम बढ़ रहे हैं, और आपने सही कहा कि अब चूंकि अमेरिका वहां से जा रहा है तो रूस इस क्षेत्र में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए रूस ने भी दो बार तालिबान के विभिन्न पक्षों के और अफगान सरकार के बीच में वार्ता की मेजबानी की थी। लेकिन अभी समस्या ये है कि अगर तालिबान वहाँ आ भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि शांति यहाँ इतनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि जो वेरियस अलग अलग लड़ाके ग्रुप हैं, जो संगठन है, और भी आतंकी ग्रुप हैं, आईएस भी है वहाँ, आईएसआईएस भी, जो कि तालिबान के जी, तो इस सब में अभी निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि जब तक किसी बड़ी शक्ति का, रूस का या अमेरिका का फिर से हस्तक्षेप न होगा, अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो सकेगी। और जब तक शांति नहीं स्थापित हो सकेगी तब तक चीन नहीं चाहेगा कि वो अपना वन रोड वन बेल्ट का प्रोग्राम वहां पर शुरू करे, क्योंकि वो अभी अपना सीपीईसी के प्रोग्राम की हालत देख ही रहा है, कितनी परियोजनाएं लटकी हुई हैं, कितनी परियोजनाएं जो वहां पे चीन करने बलूचिस्तान में करने की कोशिश कर रहा है वो भी रुकी हुई है, इवन पंजाब में रुकी हुई, क्योंकि पाकिस्तान की जनता काफी कुछ पीओके में लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए चीन नहीं चाहेगा कि बिना शांति स्थापित किए किसी देश में वो अपनी परियोजना शुरू करे, और शांति स्थापित करने के लिए अगर चीन अपनी सेना भेजता है या अपनी सेना की मदद करता है तो वही हाल होगा जो रूस और अमेरिका का हुआ है, इसलिए सर नहीं चाहेगा जी। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर तालिबान अफगानिस्तान पे पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो ऐसे में भारत का क्या रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि आप अलग अलग देशों में काम कर चुके हैं, बड़े उच्च पद पे रहे हैं, भारत सरकार क्या करेगी सिचुएशन में? देखिए इसी के चलते, इसी दृष्टिकोण की वजह से मुझे लगता है कि भारत सरकार तालिबान से भी बात कर रही है, क्योंकि हमें अपने ऑप्शंस खुले रखने हैं, हमें आंख मूंद ये नहीं कहना है कि नहीं तालिबान का हम बिल्कुल विरोध करेंगे और तालिबान आएगा तो सत्ता में तो हम उसको मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि कई पक्ष जो आपके विपक्षी होते हैं सिद्धांततः वो भी सरकार में आ जाते हैं, आपको मान्यता देनी पड़ती है। तो अब इस चीज को रोकने के लिए कि कल को तालिबान आ जाए और कहे भारत से हम बात नहीं करेंगे, इस संभावना को रोकने के लिए भारत ने भी तालिबान से बात करना शुरू कर दिया है, ताकि हालांकि तालिबान कह रहा है और दूसरे परिप्रेक्ष्य में तालिबान ने कहा है कि हम उतने कट्टर नहीं होंगे जितने हम 20 साल पहले थे, लेकिन तालिबान का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी संगठन का उद्देश्य अपना ही किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे हुई है तो इतनी जल्दी वहां से डिग जाएगा इसकी उम्मीद नहीं। लेकिन फिर भी यह है कि अगर हम तालिबान को ये भरोसा दिलाने में सफल हो जाते हैं कि हमारी तालिबान से कोई दुश्मनी नहीं होगी, हम अफगानिस्तान एज अ कंट्री, एक मुल्क के तौर पे अफगानिस्तान की प्रगति के लिए काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं। हालांकि बड़ी विचित्र बात है कि पाकिस्तान के मुख्य सुरक्षा सलाहकार ने
ये कहा है कि भारत को, भारत का तालिबान के साथ बात करना बेशर्मी है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि किस, अगर उसके साथ बात करना बेशर्मी है तो उसको पैदा करना कितनी बड़ी बेशर्मी हो सकती है जो पाकिस्तान ने किया है। जी सर, क्या कोई हम भी नोट तैयार करेंगे, क्योंकि जिस तरह से दोहा में बातचीत हुई अमेरिका और तालिबान की, आई कांटेक्ट भी हुआ है कि दूसरे पर कभी विरोध नहीं करेंगे, क्या भारत भी ऐसा कुछ करेगा? क्योंकि कंधार वाला जो हमारा एक्सपीरियंस है बहुत बेकार है, ऐसे में आपने भी कहा कि तालिबान पर भरोसा करना उन पर बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा भारत के लिए। देखिए, पाकिस्तान तालिबान के साथ जो वार्तालाप अमेरिका की हुई दोहा में, जो समझौता हुआ, वो काफी कुछ एक पक्षीय था। उसमें यह था कि तालिबान अमेरिकी सैनिकों पे, अमेरिकी अड्डों पे हमला नहीं करेगा, इसका मतलब कि बाकी जगह हमला कर सकता है। हमारे साथ समस्या यह है कि अगर हम ये कहें कि हम, आप तालिबान भारतीय अड्डे तो है नहीं, भारतीय दूतावासों पे या कंसुलेट्स पे आक्रमण नहीं करेगा, तो जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें सिर्फ भारतीय नहीं, कितने अफगानी भी काम कर रहे हैं। अगर अफगानियों को मारने के चक्कर में उन परियोजनाओं पे तालिबान हमला करता है तो इसका सीधा असर हमारे हितों पे पड़ेगा और हमारे निवेश पे पड़ेगा। तो इसके हमें अगर कोई समझौता या कोई ऐसे अलिखित वादा भी उनसे लेना है तो ऐसा ही कुछ लेना है कि भाई देखिए, हम जब तक आपकी पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफियर करेंगे, हम जब तक सिर्फ विकास के कार्यों के लिए काम करते रहेंगे तब तक हमारे आपके संबंध अच्छे बने रहने चाहिए। जी नहीं तो भारत पूरी तरह से सक्षम है हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और दिया भी है भारत ने, जब जब समय आया किसी ने भारत पे हमला करने की कोशिश भी की। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बखूबी समझाया कि क्या तालिबान है, अगर तालिबान का विस्तार होता है तो भारत के सामने क्या चुनौतियां हो सकती है, और भारत किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी है भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब के किसी ग्रुप को अपना समय देने के लिए, बातचीत के लिए।